हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीड म्यूटेंट। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एस्टन मार्टिन DB11 की। DB11 एक ग्रैंड टूरर है। ग्रैंड टूरर्स जो कार होती हैं वो प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स कार कहलाई जाती हैं, क्योंकि उनकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होती है, उनमें आपका फ्रंट इंजन लेआउट आता है, तो कि आपको पीछे अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है। तो गाइस, इस कार की अगर आप बात करें तो इसमें बहुत ही स्लीक और यूनिक लुकिंग आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं, फिर डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स मिल जाते हैं, और इसका आप अगर एलॉय व्हील्स बात करो तो 20 इंच के बहुत प्यारे से एलॉय व्हील्स हैं इसमें। फ्रंट में अगर आप बात करते हैं तो एक बड़ी सी एस्टन मार्टिन की ग्रिल है विद क्रोम स्लॉटिंग्स। गाइस, ये वाली ग्रिल बाकी एस्टन मार्टिन से काफ़ी बड़ी है, और इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। गाइस, इसमें 5.2 लीटर का V12 इंजन आता है। फिर आप अगर रेयर में देखोगे तो इसमें काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलता है आपको, और इसका जो फ्रंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जैसे देख सकते हो, फ्रंट में जो हुड है इसका वो अपोजिट डायरेक्शन में खुलता है और एक सिंगल एल्यूमिनियम पीस का बना हुआ है। तो गाइस, इंटीरियर की आप बात करो तो इंटीरियर में आपको बहुत आप बोल सकते हो काफी रिच फैब्रिक यूज हुआ है इसमें। सब हर जगह सॉफ्ट टच आपको फैब्रिक मिलेगा, लेदर यूज हुआ है बहुत अच्छी क्वालिटी का, फिर ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश दे रखी है जगह जगह पे, जैसे स्पीकर्स पे हो गया, एसी वेंट्स पे हो गया, डोर नॉब्स पे हो गया आपके, फिर नीचे आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, बूट ओपन करने का लिड मिल जाता है, और आपका डेड पेडल भी इस गाड़ी में काफ़ी बड़ा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर बाकी अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपको एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन आती है। रेयर में गाइस, इसमें दो सीटें दे रखी हैं, बट दे आर बेसिकली मेंट फॉर किड्स, क्योंकि इसमें हेडरूम एक तो बहुत कम है और बाकी लेग रूम भी काफ़ी कम है इस कार में। तो गाइस, ये गगन चौधरी जी हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज बनाते हैं। तो गाइस, ये अब हमें दिखाएंगे कि इसका जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो कैसे मूव करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है इस कार का। तो आप देखिए कैसे इलेक्ट्रिकली ये जो है आगे पीछे मूव करता है। गाइस, ये देखिए, वेरी ब्यूटिफुली डन। बाकी इसमें जो आपका गियर सिलेक्शन बटन्स दे रखे हैं, ये स्क्रीन्स पे हैं गाइस, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के साइड्स में, जो कि बहुत ही यूनिक चीज है। अदरवाइज आपको नॉब मिलता है या फिर डायल मिलता है। फिर आपका डिजिटल कॉकपिट है जो बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। काफ़ी इसमें भी इन्होंने काफ़ी क्रोम यूज करा हुआ है। ये पूरा इसका जो पूरी जो यूनिट है ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखती है। फिर आपके इसमें पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं गाइस, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन हो गए हैं कार्स में। ये कुछ वार्निंग आ रही है एक्चुअली बैटरी की या किसी चीज की कार में। एंड आप अगर इसकी फिट एंड फिनिश की बात करें, जो इसमें फैब्रिक यूज हुआ है, जो इसमें ट्रिम्स यूज हुए हैं, वो बहुत ही टॉप नॉच है। इस टाइप का जो आपको फैब्रिक और ट्रिम्स यूज होते हैं, ये बेसिकली रोल्स-रॉयस और बेंटले के लेवल के हैं। इवन आप सेंटर कंसोल भी देखोगे तो बहुत ही नीटली करा हुआ है इस सेंटर कंसोल को। ये गाइस आप देख सकते हैं कि पीछे लेग रूम की बात आप करो तो बहुत ही कम है वैसे तो ये लेग रूम, मतलब कोई बड़ा आदमी अगर चाहे तो इस कार में मुश्किल से ही बैठ पाएगा। बाकी इसमें काफी स्पीकर्स आप पीछे भी साइड में देख सकते हैं, और बहुत सारे स्पीकर्स दे रखे हैं इस कार में। ये आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गई। फिर क्रोम का भी और एल्यूमिनियम का काफी ज्यादा यूज करा हुआ है इस गाड़ी में, एक रिच फीलिंग देने के लिए। एंड अगर आप सीट एडजस्टमेंट नॉब की बात करो तो इसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत ही अलग है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे सेंटर कंसोल के आपके दी हुई है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है, इजी टू यूज। एंड ये मोस्टली ऐसी जगह पे नहीं आती है, अंडर सीट आती है या फिर राइट हैंड साइड में आपको मिलेगी। फिर आपको ये बहुत ही मतलब जेट से इंस्पायर्ड लुकिंग लाइट्स मिल जाएंगी ऊपर। बाकी अगर आप स्टार्ट स्टॉप बटन स्टार्ट ऑन करते हो तो
आपका एस्टन मार्टिन का लोगो आता है। तो गाइज इस वीडियो में यही था, और इस कार की कॉस्ट 3.9 करोड़ रुपीज एक शोरूम है। ये बेसिकली जेम्स बॉन्ड की ब्रांड है, तो आप समझ सकते हो इसके जो क्वालिटी और सब चीज कैसी हो। बाकी गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, गगन भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।